नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के दोनों बेटों की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि अपने ही दल के एक पूर्व नेता शक्ति मल्लिक के परिजनों ने तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को हत्या आरोपी ठहराया है। विदित हो कि अपराधियों ने दलित नेता मल्लिक की हत्या रविवार सुबह में कर दी थी। दोनों भाइयों पर विधानसभा चुनाव के टिकट हेतु 50 लाख रुपए मांगने का आरोप है, नहीं देने पर धमकी दी गई थी। लोजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एकला चलोड़े का ऐलान कर अपनी मंशा का भले ही इजहार कर दिया है, लेकिन लोग इससे इत्तफाक नहीं रखते। यानी बिहार में एनडीए के लिए चिराग पासवान का यह शंखनाद घातक हो सकता है, खासकर लोजपा के लिए। वीआईपी पार्टी को अपने बूते चुनाव नहीं जीतने की बात करने वाले यह भूल रहे हैं कि एक चूहा भले ही अनाज से भरे बोरे को नहीं उठा सकता, लेकिन वह उस बोरे में छेद तो कर ही सकता है। इस बीच वे भाजपा नेताओं के बुलावे पर दिल्ली संभावनाओं की तलाश में गए हैं। पटना के रसोई गैस उपभोक्ता अब जल्द ही वेंडर सिस्टम से निजात पा लेंगे। रसोई के लिए अब पाइपलाइन द्वारा गैस सप्लाई की व्यवस्था अंतिम चरण में है। खबरों के मुताबिक 25 कॉलोनियों के 26,000 से अधिक उपभोक्ता पीएनजी का लाभ रसोई के लिए कर पाएंगे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का इलाज दिल्ली में हो रहा है। इस बीच उनके हार्ट सर्जरी की खबर है। वे अब बेहतर महसूस कर रहे हैं, अभी चिकित्सक की देखरेख में ही रहेंगे। लोगों ने उनके शीघ्रता से स्वस्थ होने की कामना की है। दिग्घा सिक्स लेन पट इन दिनों युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य चल रहा है, वहीं आम लोगों का मार्ग से लगातार आना जाना भी जारी है। बीती रात एक व्यक्ति के खुले मेन हॉल में गिरने से हुई मौत के बाद आज तनाव की स्थिति बनी रही। कोरोना वैक्सीन को लेकर आम आदमी में जिज्ञासा बढ़ी हुई है, तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को भी उम्मीद है कि अगले साल जुलाई माह तक देश के 25 करोड़ लोगों को यह वैक्सीन सुलभ हो जाएगी। विधानसभा चुनाव के मध्य में मतदाताओं को यदि किसी प्रकार का प्रलोभन किसी नेता या पार्टी के द्वारा दिया जाता है, तो वह अपने आप में आचार संहिता का सीधा उल्लंघन माना जाएगा। यदि प्रत्याशी किसी मतदाता को मतदान केंद्र पर लेकर आता है, तो वह प्राथमिकी के दायरे में आएगा। उम्मीदवारी की घोषणा होते ही अब पार्टी दफ्तरों में नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ छटने लगी है। जिन्हें पहले चरण में चुनाव के लिए टिकट दिया गया है, वे चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इस बीच भाजपा, जदयू, राजद और माले समेत सभी राजनीतिक दलों के दफ्तरों से भीड़ कम होने लगी है। फुलवारी विधानसभा क्षेत्र से श्याम रजक के समर्थक उनके टिकट कटने से क्षुब्ध नजर आ रहे हैं। विदित हो कि श्याम रजक ने हाल में ही जदयू से नाता तोड़ फिर से राजद से नाता जोड़ा था। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज़।